गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल हर्षिताज ब्लॉग। तक कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज है संडे, तो रात में लेट सोए थे, तो अभी मैं पता है कब उठी थी? 2 बजे उठी थी आज। मैं 2 बजे नहीं, 2:30 बजे। तो आज मेरी नींद अच्छे से पूरी हो चुकी है, पर फिर भी पूरी नहीं होती। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अभी शाम के वही 6 बज रहे होंगे। तो अब मैं बैठी हुई हूँ मम्मी के साथ, मम्मी ये बैठी, तो अभी हम ऐसे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं कि हम क्या करें। और अभी बोर हो रही हूँ मैं तो घर पर, और अकेले कहाँ जाऊँ मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता। अकेले कहाँ जाऊँ, कहाँ घूमूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। तो फिर मैं बस घर पर बैठी रहती हूँ। और आपको व्लॉग्स में नोना भी ज़्यादा दिख रही होगी, क्योंकि मेरा रूटीन यही है कि मैं ऑफिस से आती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, फिर मैं दादा को खाना देने जाती हूँ, उसके बाद मैं नोना को लेके बैठ जाती हूँ। बस मेरे पास और कोई काम नहीं होता, इसलिए आपको नोना ज़्यादा दिखती है व्लॉग्स में। तो अभी आज संडे है, तो सुबह से मैंने नोना को एक बार भी नहीं लिया है, क्योंकि मैं सो के बहुत लेट उठी थी। उसके बाद मैं कुछ बाहर गई थी किसी काम से, 1 घंटे के लिए बाहर गई थी, फिर मैं आ गई थी। उसके बाद मैंने फ़ोन वोन चलाया, तो फिर कुछ नहीं करा। तो अब शाम हो रही है, अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। और फिर थोड़ा काम करा था, जैसे कपड़े उतार दिए, फिर फोल्ड कर दिए, तो फिर मम्मी प्रेस करेगी अभी थोड़ी देर में, और पापा भी अभी गए हुए हैं, सिर्फ मम्मी और मैं हूँ। ध्रुव गया है पार्क, तो अभी हम बैठे हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ ऐसे बैठे बैठे, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। तो क्या करें अब, चार इंसान क्या कर सकते हैं? अब ये है कि छुट्टियाँ पड़ गई हैं, अगर मामी हमारे घर रुकने आएगी तो व्लॉग्स, अच्छे व्लॉग्स आएंगे, मज़ा आएगा। और जैसे वो लोग आते हैं ना, तो हमारे घर भी भरा भरा हो जाता है, तो मज़ा आता है और ज़्यादा। और फिर वो सब दिखाऊंगी, फिर मामी कुछ कुछ, जैसे मामी ने बना दिया मैंने बना दिया कुछ खाने के लिए, तो हमारा ना मतलब दिन निकल जाता है, ऐसे अच्छा लगता है। क्योंकि फिर वो भी बच्चे भी खेलते रहते हैं, फिर मामी मैं मम्मी बात करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है ऐसे जब वो आते हैं घर में। तो अब कोई भी नहीं है, क्या करें कुछ नहीं कर सकते। अभी ना मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी कुछ खाने का ले दो, तो मम्मी ने ना सैंडविच बनाया है, तो अभी मैं वो खाऊंगी। ये देखो मैं सैंडविच, अब मैं इनको खाऊंगी, फिर देखते हैं क्या करेंगे। फिर मैं थोड़ी देर नोना के साथ खेलूँगी, नोना को लेके आऊँगी, इसके साथ खेलूँगी। गाइस अब वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है ना, तो उसके साथ खेलने में अच्छा लगता है, तो फिर उसके साथ खेलूँगी, फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। बस चलो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सोना भी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि हमने भी अभी अभी देखी है। देखो बेला कैसे बैठे हो कितने आराम से। बेलू मैं भी वीका हो गया। देखो गाइस मम्मी भी अभी मुझसे पूछ रही कि बेला खाएं, तो गाइस मैं कि मम्मी नीचे देखो कैसे बैठी है, दिख भी नहीं रही, चुप के बैठी है। बेलू बेलू कहाँ हो गया? गाइस अभी आपको ढंग से नहीं दिख रहा होगा, अंधेरा है, क्योंकि ये देखो कितने प्यार से बैठी है। गाइस अभी ना मम्मी ना इसे बोलेगी कि ना बेला कि टमाटर खाएगी, तभी देखना गाइस इसे। बेला टमाटर खाएगी? ले बेला टमाटर, टमाटर गाइस देखो नीचे बैठी है। बेलू टमाटर खाएगा? इसे क्या हो गया गाइस, आज से ये आ भी नहीं रही बाहर। टमाटर नहीं तो ये पागलों की तरह टमाटर के पीछे आती है। गाइस देखो देखो निकली निकली कैसे निकली ये देखो अब ये देखेगी कि टमाटर, अब मम्मी से देगी ना, देखना कैसे कैच करेगी। और 2 मिनट भी नहीं लगाएगी ये, 1 मिनट में ये खत्म कर देगी। बैलू खा लेगी गाइस, अभी देखना है इसको।
मम्मी अभी धो रही है, अब देखना ये देखो भाई खा लिया। ये बहुत शौकीन है टमाटर की, है बहुत शौकीन है। देखो एक मिनट, एक सेकंड नहीं लगाती है खाने में। बैठो बेला, सिट डाउन फिर देंगी मम्मी। मम्मी इसको बोलो सिट डाउन, सिट डाउन बेला, बेला सिट डाउन। इसका ऐसे उंगली दिखाओ, ऐसे उंगली दिखाओ बेला, बैठो। देखो गाइस कितनी वो है, समझदार है। मिलेगा टमाटर, ये देखो खा लिया। ये एक टमाटर की बहुत शौकीन है, बहुत ज्यादा। आपने देख ही लिया कैसे बाहर निकलो सीधा मम्मी के पीछे पीछे। और जब भी हम फ्रिज खोलते हैं ना, तो इसको यही होता है कि टमाटर निकालेंगे, एक टमाटर के पास आ जाते हैं। इसे पता है फ्रिज में टमाटर खा रखा है, तो पीछे पीछे घूमती रहती है बस कि टमाटर देंगे टमाटर। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मैं ऑफिस से आ गई थी, फिर मैंने थोड़ी देर नोना को खिलाया, तो मैं फ्री होके बैठी हूँ। तो आज मेरा भाई अपना फेस ही खा रहा है। हेलो कर दे, हेलो। कुछ बोलना और कुछ बता, अपने बारे में बता। अपने बारे में क्या बताऊँ, दिख रहा हूँ कैसा हूँ। गाइस देख रहे हो कैसा ही है, ऐसा ही है ये। इससे अच्छा हूँ लाभ देना बिल्कुल नहीं। और गाइस हमारी नोना भी, नोना कह रही बेला, मैं मुंह पे ना नोना नोना इतना रहता है कि ना कभी मैं बेला को नोना कर देती हूँ और नोना को मैं कभी बेला बोल देती हूँ। पता नहीं ऐसे होता रहता है, जब भी खेलती हूँ तो बेला को नोना है और नोना कैसी याद देख पे याद होता है कि अबे ये तो बेला है। तो गाइस अब देखो मैं पापा से मिलवाती हूँ आपको, एक सेकेंड। हेलो यंग मैन, हेलो कर दो। देख रहे हो गाइस मेरे पापा यंग मैन है, यंग मैन। जब मेरे पापा बहुत जवान है, हैंडसम है, हैंडसम कोई कह नहीं सकता। ये मेरे पापा हैं, हेल्थ से थोड़े लगते हैं मेरे पापा है, बट यंग है बहुत ज़्यादा, ओल्ड नहीं, ओल्ड। चलो अभी ना मम्मी बाहर गई है, अभी थोड़ी देर में आती है मम्मी, फिर मैं आपको मम्मी से मिलवाती हूँ। गई पता नहीं मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। शायद ना मैं पूरा दिन लैपटॉप फ़ोन में लगी रहती हूँ, इसलिए जैसे मेरी आँखों में दर्द हो रहा है, तभी मैं स्पेक्स देखती हूँ। मैं शायद आइस टेस्ट करवा के आऊँगी मैं अपना आइस टेस्ट। इसकी आंखों में कुछ दर्द नहीं है, फोन देखते रहते, रील्स स्क्रॉल करते रहते, झूठ बोल रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरे दिन कंप्यूटर पे काम करती हूँ, तो मेरी आंखें वीक हो चुकी है। तो मैं ना आईज टेस्ट करवाऊंगी अपनी। अच्छा वीक नहीं, वीक्स बोल रहा है, वीक्स हो चुकी है। तो अभी मम्मी आएगी, फिर मैं मम्मी से भी बातें करेंगे हम। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय। ना मम्मी ना बेला को खाना दे रही है, तो ना मम्मी आज रोटी नहीं बनाई, आज हमने बनाए हैं चावल, दाल चावल, तो हम वही खाएंगे। तो बेला को भी हम चावल देंगे, मतलब हमारे लिए पास्ता बनाए ध्रुव के लिए और मेरे लिए, क्योंकि जो दाल बनी है वो मैं नहीं खाती, जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। तो मम्मी ना अभी बेला को ना चावल देगी। तो अंडा ख़त्म हो गया है, तो अंडा है नहीं, तो ये चावल अंडा मिला के, वो टमाटर मिला के, क्योंकि आपने इससे पहले वाली क्लिप देखना, उसमें ना अंडा बहुत, मतलब ना टमाटर बहुत इसके फेवरेट है, तो टमाटर तो बहुत खाती है। इसको बोल दो पहले टमाटर, इसके कान खड़े हो जाते हैं कि टमाटर, तब इसको हम देंगे, क्योंकि अंडा ख़त्म हो चुका है। तब हम इसे चावल और टमाटर देंगे, तब ये 2 मिनट में खा जाएगी, 2 मिनट में इसका जो बर्तन है ख़त्म, साफ़ है, बिल्कुल धोने की ज़रूरत नहीं। आपको दिखाऊंगी, देते अभी इसको देंगे, अभी ये ध्रुव खड़ा है, ये देगा, तो अभी फिर देखते हैं कि खाती नहीं खाती, फिर आपको दिखाऊंगी।
और मम्मी क्या तो गाइस मम्मी आ गई है मेरी और बैठी है, मेरे को 500 रुपए दिए मम्मी ने। हाँ 500 रुपए दिए इसने मेरे को, पहले 10,000 रुपए दिए थे, फिर 2,000 ले लिए, 500 ले लिए दे के और वापिस जा रहे पैसे। मैं मेरे को क्योंकि गाइस मेरे को तो अच्छी होते हैं, मेरा भी तो खर्चा है। कैसा रहा, और चल छोड़ नोटों की बात, कैसा रहा आज का दिन? बहुत बोरिंग है, पूरा दिन बोर हो जाती मैं, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से आंखें दुखती हैं, ऊपर से नींद आती है, क्या करें भाई। नींद तो आएगी, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा, आगे की लाइफ अच्छी हो जाए तो नींद खोनी पड़ेगी, इतना तो करना ही पड़ेगा डिंपल बेटा। करना तो पड़ेगा ही, करेंगे प्लीज। और ये मैं थोड़ी ना करूंगी, ये तो तेरे को ही करना पड़ेगा। नहीं आप कर लो मेरी जगह जाके, मेरा करा तो मेरे ही काम आएगा ना, तेरे थोड़ी ना आएगा। आप मैं बन के चले जाओ, ऐसे नहीं हो सकता भाई। आप में से कोई जाना चाहेगा मेरी जगह तो आप जा सकते हो, मैं आपको इनको बोलते हैं काम चोर, ये होते हैं काम चोर लोग। देखो मेरे को ना सब काम चोर कहते हैं कि तू काम चोर है, तू काम नहीं करती, और मेरी मामी भी कहती है, पापा भी, पापा नहीं कहते, मम्मी कहती है, और ये जो मम्मी और मामी है ना यही मेरी बेइज्जती करते रहते कि कुछ काम नहीं करती। पर हाँ कभी कभी काम भी करती है, ऐसा नहीं है, डस्टिंग करती है, कपड़े सुखाती है, तेल लगाती है, और कभी कभी मेरे को गुस्सा आता तो ये करे कराए कहती मेरी तारीफ नहीं करते, पर हाँ काम करती है ऐसा नहीं है, पर आराम बहुत करती है, ज्यादा ही नाजुक है, इतना नाजुक भी नहीं होना चाहिए। मैं ना तभी थक जाती हूँ बहुत ज्यादा, मेरे को पता नहीं क्यों, मेरे को ना सोना, मेरे को नींद बहुत प्यारी अपनी साथ भाई, खाएंगे नहीं तो नाजुक ही बनेंगे ना। खाओ भाई अच्छे से खाओ, मेहनत तभी होगी और मेहनत करनी तो पड़ेगी। ना मैं, मेरे को ना एक बार ना नाना ने ना चाय बनाना सिखाया था बहुत टाइम पहले। तो ना अभी मैं थोड़े दिन पहले गई थी तो नाना, तो ना मामी मुझसे कहती कि ना नाना के लिए चाय बना दे तू, तो मैं कि मेरे को नहीं आती चाय, नाना मेरे साइड में बैठे थे, तो मैं कि मेरे को नहीं आती चाय, तो नाना मेरे को ऐसे देखते कहते तेरे को सिखाई तो थी मैंने चाय बनाना, मैं कि नाना कब सिखाई थी, तो भूल भाल गई, मेरे को कुछ याद ही नहीं। मैं नाना देखो याद उसको रहेगा जो रोज बनाता हूँ, मैं रोज बनाती नहीं हूँ तो याद कहाँ से रहेगा मुझे, तो कहते याद रखना, मैं कि बनानी नहीं है जे। अब एक बार बताओ जिसका कोई काम ही नहीं है तो वो याद रख के क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है, तो मैं भूल गई सब कुछ, और फिर इसको फिर से सिखाना पड़ेगा भाई, फिर मैं फिर भूल जाऊंगी मैं बहुत। नहीं, हम सिखा के छोड़ने वालों में से हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, सिखाएंगे चाय कॉफी फिर पुलाव ऐसे ऐसे करके सारी चीजें सिखा देंगे काम तो ना सिखाएंगे। अब ना मैं ना बहुत ओरियो खाते हूँ, मेरी फेवरेट बिस्किट है ओरियो। चलो तो नाना ने ना जाओ, अच्छा आप मम्मी जा रही हैं, जाओ बाय। तो ना मम्मी मैं ना ओरियो बहुत खाती हूँ, तो ना मेरे नाना ने ना मेरा नाम ओरियो रख दिया। आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा नाना मुझसे बात कर रहे हैं ना, तो नाना मुझसे हाँ ओरियो बेटा कैसा है, तो ना नाना मुझे ओरियो ही बुलाते हैं। और फिर पहले उससे पहले ना मेरा नाम क्या बोलते थे मम्मी, क्या बोलते थे, चमची। मेरे नाना मेरे को चमची भी बुलाते थे पहले, पहले मैंने नाम चमची रखा, उसके बाद मेरा नाम अब ओरियो रख दिया, पता नहीं क्या क्या नाम निकालते रहते मेरे, क्या करें। चलो अभी ना हम ना अभी मैं नीचे जाती हूँ दादा के पास, उसके बाद मैं आती हूँ ऊपर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करेंगे। अभी ना पहला को खाना दूंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे देते हैं मुझे खाना, आपको दिखाना और फिर देखना वो कैसे करेगी। चलो आगे दिखाती हूँ आपको। तो गाइस देखो यहाँ पे ना पापा इसे खाना दे रहे हैं, देखो खड़े साइड में खड़े होकर कैसे देख रही है, क्योंकि स्पेशली इसके यहाँ टमाटर दे रहे हैं ना इसलिए, तो ये खड़े होकर हमें देख रही है कि दे और कब मैं खाऊं, ये देखो। और गाइस देखो अभी ना इसको हमने खाना दे दिया, ये देखो कैसे खा रही है। अब चाहे आप इसे कुछ भी बोलो, कुछ भी दो, कुछ भी कि बेला बाहर चलना है, ये कुछ नहीं सुनेगी, क्योंकि इसके टमाटर है ना, ये अपनी फेवरेट चीज़ खा रही है, तो ये किसी की नहीं सुनेगी और चपड़ चपड़ खाएगी 2 मिनट में। हम्म,
गाइस देखो इसके ना नाक पे भी लग गए जब। तो अब यहाँ ऑलमोस्ट इसका खाना ख़त्म हो चुका है और इसके थोड़ा नाक पे लग गया, ये बिल्कुल साफ़ कर देगा। ये मुझे देख रही है कि क्या मेरे को डिस्टर्ब क्यों कर रही है, क्या कर रही है पागल। गाइस चलो अब हम ना सोने जा रहे हैं। इससे पहले वाली क्लिप में ना आपको पता दिख गया होगा कि बेला खाना खा रही थी, तो मैंने क्लिप शूट करी थी तो इससे पहले वाली उसमें लग जाएगी। तो अब हम सोने जा रहे हैं क्योंकि सुबह में उठना भी है। तो बाय बाय, और ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, बिल्कुल एंड तक देखना। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइज, लव यू।